हेलो स्टूडेंट्स, मैं मास्टर पांडे, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ मैथ में कि समांतर श्रेणी क्या होता है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भले ही आपके इस चैप्टर में क्लास टेंथ में आया हो, लेकिन आप इसके बारे में शुरू से ही जानते हैं, आप इसके बारे में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को एक रूटीन वाइज किया जाए। प्रोग्रेशन मतलब एक सिक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ऐसा समझिए एक सिक्वेंस। सीक्वेंस जानते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी जान जाएंगे। तो सीक्वेंस में क्या होता है कि हम कोई भी काम एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ भी ऐसे करते हैं, कोई किसी भी चीज़ का एक रूटीन बना हुआ है। यदि आप उस रूटीन से हट जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, लॉस होगा, या फिर हेल्थ से लॉस हो या फिर मनी से लॉस हो। तो यदि एक रूटीन जो बना हुआ है, इस रूटीन पर यदि हम काम कर रहे हैं तब तो ठीक है। सेम वैसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी एक रूटीन है, उस रूटीन पे ही काम होता है, उस रूटीन पे ही हर एक वर्ड को, हर एक नंबर्स को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, वहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पता है कि हम लोग 1 2 3 4 जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, नचीज हम जनरली इसको भी लिखते हैं 2 4 6 8 10, ये भी लिखा जाता है। जनरली हम ये भी लिख सकते हैं 3 5 7, क्यों लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो जो भी चीज़ हमने लिखा वह एक सीरीज में है। जैसे ये मान लीजिए क्या है, नेचुरल नंबर का सीरीज है, ये क्या है आपका इवन नंबर का सीरीज है, ये क्या है आपका ऑड नंबर का सीरीज है, ऐसे है कि नहीं। मतलब एक सीरीज है, इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, एक डिफिनेशन के तहत इन चीज़ों को जानेंगे और देखेंगे कि इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसा यूज है, समांतर श्रेणी में इसका कैसा यूज है। तो सबसे पहले चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम की परिभाषा को देखते हैं कि सीक्वेंस यानी सीरीज क्या होता है। यहाँ पर देखिए सीक्वेंस का डिफिनेशन है, ठीक है, सीक्वेंस यानी अनुक्रम का हमने डिफिनेशन लिख दिया। ये सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सम रूल। किसी रूल के अनुसार यदि किसी नंबर्स को अरेंज कर दिया जाए तो क्या कहलाता है आपका, सीक्वेंस कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर आपने देख लिया, हमने हिंदी में भी लिखा, हिंदी में भी इसका यदि परिभाषा की बात कर लें, डिफिनेशन की, तो संख्याओं का एक ऐसा समूह, कहीं कहीं समुच्चय भी लिखा होता है, समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और किसी निश्चित नियम अनुसार एक क्रम में लगे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। यहाँ पर अनुक्रम यह हुआ और इसकी डिफिनेशन हो गई। तो ऐसा कोई भी सीरीज आप खुद से भी सीरीज बना सकते हो, जैसे कि मान लीजिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, ये भी एक सीरीज बन रहा है ना। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसा है कि सीरीज बन जाए, एक ऑर्डर में लिखी हो, एक ऐसा समूह जो एक ऑर्डर में हो नंबर्स का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। मैं भी यहाँ तक सीक्वेंस की डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इससे जुड़ी हुई कुछ और भी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। आइए, डिफिनेशन समझ में आ गए, चलते हैं आगे कुछ और चीज़ें समझते हैं। अब देखिए बात सीक्वेंस की है, तो सीक्वेंस तो कैसा भी बन सकता है। यदि हम सीक्वेंस बनाना चाहें तो जैसे मान लीजिए हम लिख दें 4, ठीक है, फिर 9, फिर लिख दें 16, फिर 25, तो ये भी एक सीरीज है। सीरीज आप खुद से सोच करके एक सीरीज तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको हम क्या लिखें, इसको ऐसे लिखा हो 2 स्क्वायर, ये क्या होगा 3 स्क्वायर, ये क्या होगा 4 स्क्वायर, और ये क्या होगा 5 स्क्वायर, यानी एक ऐसा सीरीज बन रहा है ना, आगे आएगा तो और आ जाएगा 36 हो जाएगा। H1 मैं बोल दूं तो आप समझ जाएंगे कि आगे क्या आएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर चीजें समझना क्या है आप लोगों, मैं बोल दूं यह जो सीक्वेंस आप लोग देख रहे हो, यह सीक्वेंस किस तरह के का है, तो कहेंगे कि सर ये जो सीक्वेंस है ये स्क्वायर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो कहेंगे ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में है तो कुछ छोटा सा लिख दीजिए। तो कहेंगे सर हम बोल सकते हैं कि जो सीरीज है यन स्क्वायर के रूप का है। किस रूप का है, यन स्क्वायर के रूप का है। यन स्क्वायर में आपका मन करे तो आप इसको यक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, यह यक्स स्क्वायर के रूप का है, जहां पर वेयर x = 2, 3, 4 ऐसे, ठीक ना, एंड 5, समझ जा रहा है। ये जो सीरीज है किस फॉर्म का है, x स्क्वायर के फॉर्म का है। सेम वैसे ही
इतना समझ में आया? ऐसे लिख दूं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये लिख दूं। और मैं बोलूं कि बताइए ये जो सीरीज है, यह जो अनुक्रम है, यह किस फॉर्म का है, किस रूप का है? तो अब कहें भाई किस रूप का है ये? हाँ वही जैसे पिछले बार हमने बताया कि वो जो n स्क्वायर रूप का था, ये भी किस न किस रूप का होगा ना। तो कहेंगे कि यह देखिए 1/n के रूप का है, 1/n के रूप का है। अब 1/n के रूप का कैसे है? तो लिखेंगे जहां वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 क्यों 4, 5 लिखेंगे। यह जो सीरीज है किस रूप में है? 1/n के रूप का है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 1 रखेंगे तो 1/1 हो जाएगा, बन गया 1। यहाँ पर देखिए 1/n की जगह क्या रखेंगे 2, तो 1/2। फिर 1/n की जगह क्या रखेंगे 3। तो देख रहे हैं जो ये सीरीज है वह इस रूप में आ जा रही है, मतलब कि एक फॉर्मूले के रूप में। समझ में आया? मैं आपके सामने एक सीरीज लिख दूं, सीरीज, और उसको बताऊं कि वो किस रूप का है। फिर आप सोचेंगे सोचेंगे और सोच के बताएंगे समटाइम्स वो कुछ इस रूप का है, उसका एक छोटा सा रूप जिससे कि वो फार्मूला तैयार हो सके। इसको हम और समझते हैं और अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए इसी का उल्टा यदि ऐसे लिखा हो, इसी का उल्टा यदि ऐसे लिखा हो, अच्छे बात ध्यान दीजिए, ऐसे लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। तो जनरली जो पहला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं कि नहीं? फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं, पहला पद बोल सकते हैं कि नहीं बताइए? पहला पद। उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, दूसरा पद, इसको तीसरा पद बोल सकते हैं। और ऐसे लास्ट में यदि मान लीजिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो इसी 10 को क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म बोलेंगे कि नहीं? लास्ट टर्म बोलेंगे, अंतिम पद। अब बात यह है कि चलिए इसको हम किस रूप में दिखाएंगे, हम इसको चाहे तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं a1 a2, इसको a3 दिखा सकते हैं कि नहीं? दिखा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। वैसे लास्ट टर्म है तो इसको क्या डिनोट करेंगे हम लोग, a10। क्लियर कर सकते हैं? और हम लोग इस a10 को लास्ट में है तो हम ये भी कर सकते हैं कि a l means लास्ट और a मतलब टर्म। समझ में आया? हम इस जो सीरीज है 1, 2, 3, 4 हम इसको ऐसे भी दिख सकते हैं, लास्ट वाले टर्म को ए एल भी कर सकते हैं और a10 भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बताइए कि हम इस लास्ट टर्म को ए एल तो लिख सकते हैं, ठीक है, हम इस लास्ट टर्म को ये भी तो लिख सकते हैं a n। समझ आया? a n मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई सीरीज बनाए, जैसे मान लीजिए मैं 1/5, 1/7, 1/9 ऐसे करते करते गया और इसे छोड़ दिया, बोल दिया कहाँ तक, 100 तक, बोल दिया हम 100 तक, तो 100 तक लिख दिया, नीचे 1/100, ठीक 1/100 आएगा नहीं ऐसे यहाँ पे, उससे अधिक आएगा, ठीक है। अब देखिए तो जो लास्ट वाला टर्म होगा उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो 1/an हो सकता है, ठीक है, 1/an, n मतलब ऐसा बढ़ता जाएगा नंबर, हमको लास्ट वाला नंबर नहीं पता है, तो लास्ट वाले नंबर को हम an भी बोल सकते हैं और al भी बोल सकते हैं और a10 भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए और समझते हैं इसको थोड़ा डीपली। यदि हम इस सीरीज को, सीरीज की काउंटिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, इधर से स्टार्ट करते हैं, इसको हम क्या डिनोट करेंगे, an, क्या करेंगे, an करेंगे। क्लियर? थोड़ा सा डिफरेंट बता दें, और यही इसी की स्टार्टिंग हम इधर से करें तो इसको हम क्या बोल देंगे, al। दोनों में अंतर बस इतना ही है, बस ए एल दिख रहा है, ए एन दिख रहा है, दोनों का काम एक ही है,
लास्ट वाले टर्म को बताना, लास्ट वाले टर्म को बताना। तो यहाँ मेरा मेन मोटिव बताने का यह है, जो आपको दिखा रहा है A1, A2, A3, ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या बता रही हैं आपको, ये बता रही हैं टर्म। जैसे मैं लिखूँ A5, यहाँ पर मैं बोलूँ A5 क्या है, कहेंगे सर फिफ्थ वाला टर्म है। A10 क्या है, तो सर लास्ट वाला टर्म है। A4 क्या है, तो फोर्थ वाला टर्म है। मतलब A4, A2 समझ में आया, वैसे ही AN लिखा हो तो समझ जाइए कि वो एक सीरीज है। AN मतलब एक सीरीज है उस रूप में जिसमें N है। जैसे मान लीजिए अभी मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, समझिए इसको थोड़ा सा। अभी मैं मान लीजिए ऐसे लिख दिया, अभी मैं लिख दिया, मैंने लिख दिया AN इक्वल टू 2N+1। हमने लिख दिया AN इक्वल टू 2N+1, मतलब कि यदि मैं यहाँ पर n की वैल्यू चेंज करूँगा तो यहाँ पर भी n की वैल्यू चेंज होगी। जब यहाँ पर n की वैल्यू चेंज करूँगा तो यहाँ पर भी n की वैल्यू चेंज होगी और सीरीज बनती चली जाएगी। जैसे मैं लिख दूँ, यह कोई नंबर है AN इक्वल टू 1, 2, 3, वेयर वेयर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, फाइंड, ठीक है, सीरीज, सीरीज फाइंड कीजिए, सीरीज फाइंड कीजिए, सीरीज कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 × 1+1, यानी यहाँ पर 3, क्लियर। फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे, यानी a 2, यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 × 2+1 इक्वल टू 5। सेम वैसे ही यहाँ पे 3 होगा, ये वाला 3 क्या होगा 2 × 3+1 7, समझ में आ रहा है। फिर a n की जगह 4, तो क्या हो जाएगा 2 × 4+1 इक्वल टू 9। मतलब जो आपको जो n दिखा रहा है ये क्या है, ये बताएगा कि इसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है, ठीक है। ओवरऑल जो सीरीज बन के आया वो क्या आ गया 3, 5, 7, 9, 8, 7, स्वर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करेगा, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से आपको एक मॉडल दे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ कुछ कंडीशन होगी, कहेगा कि इसका सीरीज फाइंड कीजिए, कैसा सीरीज, कैसा सीक्वेंस तैयार हो रहा है उस सीक्वेंस को फाइंड कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके बुक में मिलेगा। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, फिलहाल सीक्वेंस बनाना आप लोग सीख जाइए। तो सीक्वेंस बनाने के लिए दो चीज, या तो आपको इस तरह दिया हो, इस तरह बनाने के लिए बोल दो, वो बोल दे, या फिर ऐसे दिया हो मॉडल के रूप में, एक फार्मूले रूप में, आपको इस तरह बनाने के लिए बोल दे, मे बी आप यहाँ से तैयार कर लेंगे। वैल्यू पुट करना होता है n का, और वहाँ से एक सीरीज आपको तैयार कर लेनी होती है। मे बी यहाँ तक आप सीरीज तैयार कर लेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, आप उसका सीरीज तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस पे देखेंगे आप लोग कि हर सबका सीक्वेंस बनाना है, हर सबका सीरीज बनाना है आपको। ये मॉडल दे दिया है, यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3 रख के देख लेना है क्या क्या आएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे यहाँ पर भी n की वैल्यू रखना है 3 की पावर 1, आंसर हो जाएगा 3, 3 की पावर 2, आंसर हो जाएगा 9, ऐसे सबका आपको चेक करना है, ठीक है। तो तीनों का आप लोग सीरीज बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और भी क्वेश्चन आप लोग पास खुद से बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और इन सबका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ चीजें और जान लेते हैं। एक बार और देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हो an इक्वल टू n-2/3, क्लियर, और पूछ रहा हो कि फाइंड कीजिए a5, तो a5 फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम a5 लिखेंगे 5-2/3, a5 इक्वल टू 3/3, आंसर हो जाएगा क्या a5 = 1। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं 5 की वैल्यू आराम से, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, जो रखेगा आप वहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे, पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में। ये आपका डेफिनेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का ये डेफिनेशन है, क्लियर। लिखा हुआ है सीक्वेंस a1 a2 a3 ./ an, जैसा कि हमने बताया था an लास्ट टर्म होगा,
ए वन फर्स्ट टर्म होगा, ए टू सेकेंड टर्म होगा, ऐसे क्लियर। ये सीक्वेंस ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 एन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कब कहलाएगा ये? इफ द डिफरेंस ऑफ द टर्म इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, जो डिफरेंस होगा इनके टर्मों का वो हमेशा कॉन्स्टेंट। मतलब कि देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 2 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे 10 हो, ऐसे। अब डिफरेंस निकालिए हर एक टर्म का, यहाँ से इसका इसका डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। यहाँ देखिए इसका इसका डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। इसका डिफरेंस क्या है? 2। इसका डिफरेंस क्या है? 2। मतलब हर टर्म में डिफरेंस कितना है? 2। तो जो डिफरेंस होगा हर एक टर्म का वो ऑलवेज क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। क्लियर, हमेशा क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। वही लिखा हुआ है, जो डिफरेंस होना चाहिए सबके बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट डिफरेंस नहीं तो फिर वो एपी में नहीं होगा। ध्यान दीजिए, डिफरेंस कॉन्स्टेंट, यदि यहाँ पर 5 का डिफरेंस होता तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस होता, कहीं पर भी जो डिफरेंस गड़बड़ा गया मतलब कि वो डिसबैलेंस हुआ डिफरेंस, तो वह आपका एपी में नहीं आएगा। मतलब सबसे बड़ी बात यही पहचानने के लिए आपको एपी कि जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, और उस डिफरेंस को क्या कहते हैं एपी में हम लोग? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है, हिंदी में सार्व अंतर करते हैं, जिसको हम डी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। क्लियर हुई चीजें, डिफिनेशन क्लियर है, सीक्वेंस क्या होता है, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं हमने बता दिया, एपी की डिफिनेशंस क्या होती है, डिफिनेशंस को हमने समझा दिया। जो यहाँ पे ये 2 है बीच में, ये डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे? डी। मैं पूछूँ डी क्या है तो कहोगे 2 है। क्लियर हुई चीज़ें। तो चलिए यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स और बेहद तरीके से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा और इस एग्जाम्पल का करेंगे हम लोग ऑपरेशन। क्या करेंगे? ऑपरेशन। कैसा ऑपरेशन? ए और डी का ऑपरेशन। ये मैंने एक सीरीज लिखा और इस सीरीज को हम क्या करते हैं, ये ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन सबसे पहले करेंगे, किसको मैं 2 को 2 ही रहने देता हूँ, क्लियर। और इस 5 को मैं चाहता हूँ इस 5 को कि 2 प्लस 3 लिख दूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? कोई रोक टोक नहीं। कई लोग कहेंगे सर आप इसको तो 1 + 4 भी लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ बाबू। कई लोग कहेंगे सर इसको तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्यों 3 + 2 भी लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ बाबू नो डाउट लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक शर्त रखूँगा कि मैं 2 और 3 तभी रख रहा हूँ क्योंकि, ध्यान दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3 है ना, सबका डिफरेंस 3 है, इसलिए हम यहाँ पर 3 रख रहे हैं। क्लियर। अब मैं बोलूँ इस 8 को भी लिखो 3 के रूप में, तो कहोगे सर क्या करें? हम कहेंगे ठीक है, देखो 2 प्लस क्या लिखेंगे? 6। तो कहोगे तब तो इसमें सर 3 नहीं आया ना भाई। हमने कहा कि हम 2, 5, 8, 11, 14 को कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं जिसमें कि सब में 2 और 3 दिखे, सब में 2 और 3 दिखे। 3 क्यों दिखे? क्योंकि सबका अंतर यहाँ पर क्या है? 3 है। अच्छे, तो कहेंगे ठीक है भैया चलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं 2 × 3। अब तो सही है ना, इसको 2 + 3 × 3 बोल सकते हैं, इसको क्या 2 + 3 × 4 बोल सकते हैं कि नहीं? मतलब हमारा मन किया कि हम इस सीरीज को ऐसे लिख दिए। ठीक हो गया सर, काहे आपका ऐसा काहे मन किया? हम पे बताते हैं बाबू, न घबराइए सर, बताएंगे। ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेशन करेंगे, चीड़ फाड़ करना पड़ेगा ना, तो ऑपरेशन करने के लिए हमने क्या किया अभी, इसको चीड़ फाड़ किया इसका। उसके बाद ध्यान दीजिए बात को हमारी। अब थोड़ा सा एक बात बताइए, ये 3 है क्या? ये 3 है क्या? तो कहेंगे सर ये 3 कॉमन डिफरेंस है। क्या कहेंगे? कि जो 3 है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, जिसको हम डी बोलते हैं। डी इज इक्वल टू 3, सर्व अंतर। तो कहेंगे ठीक है, और यहां पर बताइए ये 2 क्या है?
तो कहेंगे सर जो टू है वो फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए इज इक्वल टू टू बोल सकते हैं, कहेंगे ठीक है। तब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कहेंगे हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी कहेंगे हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं तो कहेंगे हम ए प्लस टू डी। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस टू अपनी जगह पे है, डी ये वाला है, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहेंगे हाँ, इसको ए प्लस फोर डी लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहेंगे हाँ। मतलब कि मेरे पास एक सीरीज था 2, 5, 8, 11, 14 ऐसे करके, इसका हमने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके इसको हमने दूसरा रूप दे दिया, किस रूप में है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी, ये और भी होता आगे तो ऐसे चला जाता एज सो ऑन। तो क्या इसका फायदा क्या है सर, हम कहेंगे फायदा बताएंगे, ठीक हो जाएगा, बीमार था पॉली में, कैसे बीमार था ठीक है। अब बात ये है कि क्या करेंगे, हमने कहा कि मेरे पास एक सीरीज था, हमने उस सीरीज को चेंज कर दिया ए और डी के रूप में, किसके रूप में ए और डी के रूप में, मेरे पास एक सीरीज था हमने इसको चेंज कर दिया ए और डी के रूप में, तो क्या बना मेरे पास ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी। ऐसा क्यों हो सका, क्योंकि ये जो सीरीज था इसका डिफरेंस क्या था, थ्री था। यदि डिफरेंस सबका थ्री नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता, तब तो ये भी कहेंगे सर, तब तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस सेम हो उसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, हम कहेंगे हाँ बाबू एकदम लिख सकते हैं। यानी एक ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस सेम हो ठीक है और उसकी फर्स्ट वैल्यू हमको पता हो तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आई चीज़ें हमने क्या बोला। इसी चीज़ को उल्टा बोलते हैं, मेरे पास कॉमन डिफरेंस पता है और फर्स्ट वैल्यू पता है ए, तो हम उसका एक सीरीज बना सकते हैं इस तरीके का, कैसे इस पर रख करके, आइए उस चीज को भी देखेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक 2% आपके माइंड में गया होगा, समझने चाहिए। तो हमने कोशिश किया गया कि इस चीज को ऑपरेशन करके यहाँ तक पहुँचना, ठीक है, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी कैसे आया कोई अलग चीज़ नहीं है, हमने बस उसको ऑपरेशन किया आप गया, कोई नई चीज़ नहीं है, आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं इसको, समझ में आई चीज़ें। अब थोड़ा सी बात ये है कि इस चीज़ को माइंड सेट हो गया होगा ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ऐसे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए और ऑपरेशन करें तो अब तो हम जान गए हैं ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ये क्या है, ये क्या है, तो ये एक ऐसी सीरीज का फॉर्मूला है एपी का, जब हमको ए और डी पता हो तो हम सीरीज फाइंड कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास हमको फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पहला पद हमको पता है कि क्या है, वो ए इक्वल टू पता है हमको थ्री है और कॉमन डिफरेंस पता है यानी सर्वांतर, यही ना सर्वांतर हमको पता है बी इक्वल टू टू है, तो हमको श्रेणी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है श्रेणी। तो लास्ट में क्या बना था वही मेन है, ए कामा ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ऐसे पढ़ता चला जाएगा, ये हमारी सीरीज बन जाएगी। ए की वैल्यू क्या है थ्री, ए प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव, समझ आ रहा है, ए प्लस टू डी की वैल्यू क्या होगी तो थ्री प्लस फोर यानी कि सेवन होगा, ए प्लस थ्री डी की वैल्यू क्या होगी तो
तो 3 प्लस 3 इंटू 2 ये ना होगा, ये ना होगा 3 2 6 और 3 9 ऐसे। तो ओवरऑल आंसर ये मेरी सीरीज बन गई। और भी हो सकता है a प्लस 4d होगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, बनेगा कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि यदि मुझे फर्स्ट टर्म पता हो, d की वैल्यू पता हो, आराम से सीरीज फाइंड कर सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d से फार्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है। फार्मूला एग्जांपल से हमने फार्मूला बनाया, फार्मूला को यूज करके आप सीरीज फाइंड कर सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपको मिलेगा क्वेश्चंस जिसमें कि ए और डी दिया होगा, सीरीज फाइंड करना होगा, आप आराम से फाइंड कर लेंगे। देखिए यह क्वेश्चन हो और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो कि फाइंड कीजिए यह जो सीरीज दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लिखेंगे, ध्यान दीजिए, डी इक्वल टू, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, यही तरीका है आपका डी फाइंड करने का। डी फाइंड कर लिए तो आप पता कर लेंगे कि ये कॉमन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। डी यदि फाइंड कर लिए, डी फाइंड कर लिए तो पता कर लेंगे। ये बताइए इन दोनों के बीच का डी कितना है, 3, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2, ठीक है। हमेशा पीछे वाले से पहले वाले सबट्रैक्ट करेंगे, पीछे वाले से पहले वाले, मतलब कि अभी बताएंगे। अब बताइए यहाँ पर डिफरेंस क्या है आपका, 1, मतलब कि हर एक डिफरेंस तो चेंज हो रहा है, लेकिन हमको कैसे पता कि d इक्वल टू 3 किसके किसके बीच का है, दिक्कत होगा ना। इसी समझने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, d1 d2 d3, मतलब कि यदि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 यदि ऐसा हो तब तो किस में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब सबका डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना, सबका डिफरेंस सेम नहीं होगा तो नहीं होगा ना। बात हमने क्या बोला कि यदि इसको मैं A1 बोलूं, इसको मैं A2 बोलूं, इसको मैं A3 बोलूं, इसको मैं A4 बोलूं, क्यों, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूं। वन फोर सिक्स सेवन, इसको मैं A1 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, A2 A3 A4 ऐसे बोलता हूँ। तो ये बताइए 4 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, बोलेंगे 3 है, तो हम बोलेंगे D1 इक्वल टू 3 है, क्लियर। यानी मैं बोल सकता हूँ D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, बोलिए सही है, हो सकता है कि नहीं। D2 is equal to A3 minus A2, ध्यान दीजिएगा कॉमन डिफरेंस निकालते समय हमेशा पीछे वाले से पहले वाले को सबट्रैक्ट करते हैं। D3 is equal to A4 minus A3, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, बताइए आराम से कर सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर, कोई बात नहीं। यहाँ पर बताइए D1 कितना है, बोलेंगे 3, D2 कितना है, 2, D3 कितना है, 1, मतलब यहाँ पर इन लोगों का डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे जो ये सीरीज दिया हुआ है यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, क्लियर। ऐसे कोई भी सीरीज दिया हो आप उसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करके पता कर सकते हैं कि वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दिया हो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन ले लेते हैं 1/5 3/5, क्लियर, 1/5 3/5 5/5 7/5 ऐसे ये दिया हो और पूछ रहा हो डॉट 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 डॉट, जो सीरीज बन रही है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले D1 निकालना पड़ेगा। D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, 3/5 माइनस 1/5 यानी कि 2/5, क्लियर। फिर D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/5
माइनस थ्री बाई फाइव, यानी ये भी हो जाएगा टू बाई फाइव। यहाँ तक निकल कम से कम थ्री टाइम तो निकालिए। डी थ्री इज टू सेवन बाई फाइव माइनस फाइव बाई फाइव, क्या हो जाएगा ये टू बाई फाइव। मतलब इन सबका डिफरेंस इक्वल है, डी वन इजक्वल टू डी टू इजक्वल टू डी थ्री सब मिला कम बोल सकते हैं। सो द गिवन सीरीज इज इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं। क्लियर? तो ऐसे हम डी निकाल करके किसी सीरीज के पता कर सकते हैं कि वह सीरीज एपी में है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को दो चीज़ें बताया, यहाँ पर हमने आप लोगों को दो चीज़ें क्या बताया कि किस तरीके से सीरीज बनाते हैं, ठीक है, किस तरीके से सीरीज का फर्स्ट टर्म और डी फाइंड करते हैं। उसके बाद यदि कोई सीरीज दिया हो तो डी फाइंड करके हम ये बता सकते हैं कि वो सीरीज एपी में है कि नहीं। आशा करते हैं यह तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी चीज़ दिया हो, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कुछ भी दिया हो, आप ए निकाल लेते हो और डी निकाल लेते हो तो आसानी से पता कर सकते हो वो सीरीज में होगी कि नहीं। यहाँ पर आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, वहाँ से आप लोग सीरीज बनाना सीख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इसी में चीज़ें की और भी चीज़ें जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।